पर अगर तुम्हें मेरे साथ झगड़ा करना है करो, आज करो झगड़ा मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ। देख लाया हूँ आपको, पैसा चाहिए पैसा। Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. Hey guys, good evening and welcome back to my channel. So आज है संडे, जैसे कि मैंने आज ही और एक व्लॉग एंड किया था जो लास्ट वाला व्लॉग था, फिर वो एंड करने के बाद ये तो जैसे कि सो गए थे और फिर 6:30 को ये उठ गए और फिर इनको याद आ गया कि मैंने बोला था कि चलेंगे आज हम एयरपोर्ट रोड, तो फिर उठ के रेडी हो गए पूरा अपना मस्त, बोले कि चलो चलते हैं। फिर मैंने अपना जो वीडियो था वो अपलोड करने बिठाया 7 बजे, फिर मैं खुद रेडी हुई और अभी जो टाइम अभी ऑलमोस्ट 8 बजने वाला है क्योंकि 7:30 को हम निकले थे। फिर हम जो पेट्रोल डालने आए थे, पर पेट्रोल डालने पे वहाँ पर उनका मतलब सर्वर डाउन है, हमारा मतलब कार्ड काम नहीं कर रहा था, फिर फोन पे गूगल पे भी ठीक से नहीं हो रहा था, होपफुली मेरे फोन से हो गया तो बच गए वरना पर आज मर जाते। साथ में जो है कि आज बारिश हो रहा है बाहर, तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट रोड जो कि कितना किलोमीटर है यहाँ से, 40 किलोमीटर। तो आपने ठान लिया है आप जाओगे? तो ठान लिया हूँ मैं जा रहा हूँ, आपका पता नहीं। तो भगवान के भरोसे आज हम जा रहे हैं एंड मैंने लाइट ऑन किया है, तो भाई चलिए साथ में चलते हैं। मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ क्योंकि जो पीछे ड्राइव कर रहे हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलिए वहां जाके मिलते हैं। मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है पिंकू ये कौन सी गांव के बीच में लेके आए, पूरा रोड सुनसान है, अजीब अजीब सा लग रहा है। भगवान तुमको क्या? मैं बेचने के लिए लाया हूँ जानी। जानी आपको मजाक सुझ रहा है यार, मुझे डर लग रहा है, अजीब अजीब लग रहा है। मैं तुमको बेचने के लिए लाया हूँ जानी। बकवास मत करो, पूरा गाँव है जैसे पुराना पुराना घर है, मतलब ओ दाने गाइस ये क्या रोड है, पता नहीं आज हम एयरपोर्ट पहुंचूंगी या कहाँ पहुंचूंगी, फिर घर वापस आ पाऊंगी या नहीं, वो अभी मुझे मतलब। फिर बात किसके साथ कर रहे हो अभी? हाँ? फिर वीडियो अपलोड नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि तुम घर आओगी नहीं? वो भी पता नहीं, अगर आऊंगी तो वीडियो अपलोड करूंगी गाइस आप लोग, नहीं तो अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा तो आप लोग सोच लेना कि भाई बस हो गया। यही पर अगर तुम्हें मेरे साथ झगड़ा करना है करो, आज करो झगड़ा मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ। यही पर अगर नहीं छोड़ दिया मैं पूरा तुमको उतर के मैं चला जाऊंगा, फिर तुम यहाँ पर कैब बुक करो कि क्या बुक करते हो, मैं भी देखता हूँ। चलो झगड़ा करो, अच्छे से बात करो, बोलो लव यू, अच्छे से बात करो। भगवान गाइस मेरा पूरा फट रहा है, ओ गॉड देखो कितना डरती है। आज सच में पिंकू को बहुत मजा आ रहा है, अरे बात करने दोगे और मुझे बहुत क्या सीनरी है, वाओ क्या हो रहा है तुम्हारा? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमको डर लग रहा है? मुझे फिर क्या बोल रहे हैं पता है? बोल रहे हैं कि जाते टाइम भी उसी रोड पे जाओगे, मैंने बोला नहीं अगर लेके आओगे तो मैं कैब में चली जाऊंगी। कैब वाला उसी रोड में लेके जाएगा तुमको फिर? नहीं भाई, बोलूंगी उसको तुझे एक्स्ट्रा पैसा दूंगी, तू मुझे अच्छा वाला रोड पे ले, तो मेरे को दे दो, मैं अच्छा वाला रोड पे लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है मैं दे दूंगी, आप लेके चलो। यहाँ पर एक मयूरा बेकरी है जस्ट एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर पहले, राइट? यस। बहुत मस्त हुआ है ना, शायद नया हुआ है कुछ दिन पहले या फिर अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, जो भी हो बहुत अच्छा लग रहा है बेकरी। बहुत सारा ना वहाँ पर एक्चुअल में केक्स एंड पेस्ट्रीज है, जिसको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी। क्या हुआ? कुछ बोल रहे
बेसिकली मत तो दरकार नहीं दरकार नहीं पर कुछ खाई है कौन खाई भी देखिए कौन अरे इच्छा नहीं एंड गाइस लिटरली वो वाला रोड इतना डरावना मीटर होके आ गया देखो आपके लिए मीटर होके आ गया अच्छा ये ट्रे भी दे दिया हां लो 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 ओके ओके बस लेने के लिए ओके मशरूम है या पनीर पनीर है भाई पनीर क्यों लाया मशरूम नहीं था ठीक है फिर चाय क्यों लाए मेरे लिए वो तो मैंने मना किया था अरे बोले आप चाय पियोगे बोल के अब बोले और ठीक है पी लो एक एक पी लो एक पी लो कब पी रहे हो आप आज पीने के लिए बोला बारिश के मौसम में हाँ गाइस तो बस पिंकू मेरे लिए लेके आए हैं पनीर का पेटिस लेके आए हैं और साथ पे चाय एंड मुझे इतना डर लग रहा था मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि आज मैं पहुंचूंगी एक्चुअली सच बात जो है मुझे अंधेरा से और ऐसे सब माहौल से बहुत ज्यादा डर लगता है और वो इतना हॉरेबल था मेरा तो पूरा मतलब जो हार्ट है मुंह में आ गया था लिटरली डर के मारे बहुत ही ज्यादा डरावना सा रोड है पूरा लेने का देने पड़ गया मेरा और मैं सोच रही थी कि मैं क्यों आ गई पिंकू को मैंने क्यों हाँ बोला कि मुझे आना ही नहीं चाहिए था यही मैं रोड पूरा रास्ते सोच रही थी बहुत डर लग रहा था फाइनली अभी और 2 किलोमीटर है पहुंचने में और पिंकू वहां कैसे ठूस रहे मैं दिखाती हूँ आप लोग को देखिए पिंकू कैसा अपना मस्त खड़े होकर खा रहे वहां पर मुझे अकेले यहाँ पर चाय दे दिए और यहाँ पर मशरूम पेटिस दे दिए सॉरी पनीर वाला और जाके वो खुद खा रहे हैं वहां पर खुद ही एंजॉय कर रहे हैं बोले कि बहुत अच्छा एंड गाइस रियली जो पफ है ना मतलब पनीर वाला यूजुअली मैं नहीं खाती हूँ बट ये बहुत अच्छा है सो आई विल मस्ट से कि आप अगर एयरपोर्ट कभी भी आओ तो ये जो मयूरा बेकरी है उससे पहले यहाँ पर एक बार आई डोंट नो बाकी पेटिस कैसा होगा बट पनीर यू कैन ट्राई हाँ बहुत अच्छा है बहुत ही टेस्टी है सो पहुंच गए हम फाइनली एयरपोर्ट तो ये है सामने एयरपोर्ट अरे हमको एंट्री तो करने देंगे ना एयरपोर्ट एंट्री नहीं होगा क्या अंदर तुम जाके भी क्या करोगे नहीं मतलब फिर भी हाँ मतलब ऐसे जो दुकान बाजार है ना सामने जो दुकान बाजार शॉपिंग करने आए हैं एयरपोर्ट शॉपिंग करने के लिए तो हम आए हैं एयरपोर्ट वाह दुकान बाजार मेला मेला बोल दो मेला मेला वाओ गाइस रुकिए बस और एक मिनट में दिखाती हूँ मतलब एक्चुअली मतलब बैंगलोर का एयरपोर्ट इतना अच्छा लगता है बहुत सुंदर एक्चुअली बहुत सुंदर है मतलब मुंबई का तो मैंने देखा नहीं है मतलब दैट ऑब्वियसली वो अच्छा होगा बट आज तक मैंने जितना देखा है लाइक हमारा वो ऑब्वियसली नो कंपैरिजन भुवनेश्वर एंड हैदराबाद बट बैंगलोर का एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है बहुत ही प्रिटी अब स्लोली लो ताकि मैं दिखा पाऊं ये वाला जो है ना ये लेन जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो क्या लेन है बोलो पता नहीं अरे वो ओला उबेर का तुमको याद नहीं है अच्छा अच्छा हाँ हाँ ये जो वेट कर रहे हैं सब हाँ यहाँ पर ये हम भी वेट करते थे मतलब मैं हाउस द फीलिंग अच्छा लग रहा है बहुत दिन के बाद एयरपोर्ट आके पहली बार बैंगलोर आई थी मुझे लाइक सब कौन सा महीना से मैं बोल रही हूँ याद है आपको कौन सा महीना पहली बार जब बैंगलोर आए थे तुम ना जुलाई हाँ एंड ऑफ जुलाई यस इतना ठंड था जब मैं मतलब बाहर आई मुझे लगा कोई जैकेट दे दो मुझे तब मुझे याद है बहुत ठंड था मतलब मुझे नहीं पता था कि बैंगलोर का वेदर था वैसा है जब मैं पहली बार आई थी आगे आपका ड्राइवर था क्या अंदर हाँ। था हाँ। मेरे वाले में नहीं था, नहीं था? फीमेल्स में नहीं ओके चलो मेन चीज खत्म कर लिया हम लोग हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए स्पेशली तो यहीं से स्टार्ट करते हैं ये वाला है और ये क्या है पब है क्या कैफे 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 है ओके दारू वगैरह सब कुछ मिलता है हाँ। जिसको दारू चाहिए दारू पियो जिसको अच्छा एनवायरनमेंट है अच्छा एनवायरनमेंट है ऊपर भी है उनके लिए वही दिखा रही थी बट लॉकडाउन के बाद तो सब लोग भूल गए होंगे वो वाला सबसे अच्छा है टोटल एनवायरनमेंट जो लिखा है ना ओके वो वाला हाँ वो वाला पूरा वो ग्रीनरी के अंदर तुम बैठोगे पूरा I'm thinking you were made for me Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say You're looking like a gift for me Wrapped up nice and neat, baby Get in my way now, don't be shy We'll be here dancing day and night Get in my groove now, don't be shy Cause I got this list of my favorite things You could be the part where it all begins
You could be the first and the second and the third and the rest of it. और आज पिंकू इतना अच्छे से रेडी होके आए तो उनका आउटफिट दिखाना बनता है. सो ये है आज उनका आउटफिट. जैसे लग रहा है कि मैं कोई पब पब में आया हूँ. मैं एयरपोर्ट घूमने के लिए आया हूँ बस. फिर से आपके मास्क खोल रहा है. Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away, I so much time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. तो अभी हम वापस चले जाएंगे. Yes. And जो लोगों ने बैंगलोर एयरपोर्ट देखा है ऑलरेडी उनके लिए कुछ नहीं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग कमेंट करके बोलना कि कैसा लगा आपको, आपको बैंगलोर एयरपोर्ट कैसा लगा. और जो लोग बैंगलोर में रहते हैं और गए हैं गांव, वो अभी आके बोल रहे वाह ये हमारा बैंगलोर है, ये हमारा बैंगलोर है. कुछ कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, हमने सुना कितना सुंदर है हमारा बैंगलोर. इनफैक्ट ये और यहाँ पर इतना स्नेक प्लांट वगैरह और वो नहीं, मुझे 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 मन कर रहा है जितना प्लांट से मैं चुरा के ले जाऊँ. कहा मतलब इतना चोर है ये, मतलब बोल रही है मतलब मेरे को दो दो यहाँ से ले रहे हैं, मतलब चोर है ये, पूरा चोर है. एंड पता नहीं वो लोग पैड्स कैसे लेके आए, बट अलाउड तो नहीं होता है ना फ्लाइट पे. आई थिंक वो घर का लेके आएंगे किसी को. अच्छा, किसी को रिसीव करने के लिए. यार कितना क्यूट है उनका जो पप्पी. हाँ हम लोग अभी निकलने वाले हैं, निकलने वाले क्या निकल गए एयरपोर्ट से. अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग को. और अच्छा लगा बहुत दिन के बाद हम लोग एयरपोर्ट आए. पता है बहुत ज्यादा डांट भी पड़ेगा और ये यहाँ पर इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा. हाँ तो आप इग्नोर कर देना क्योंकि हम लोग थोड़ा मतलब सामने वॉक करके जा रहे हैं हम लोग. और कल जो डांट पड़ेगा उसका क्या, वो भी सही बात है. किसी से मिले नहीं है, मतलब हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग चले आए हैं. मतलब तो बस आप देख सकते हो मतलब भीड़ तो है, मतलब नहीं कि मतलब जो बोलते हैं कि नहीं अभी भीड़ नहीं है, बहुत ही क्राउड है. अगर कोई आके एयरपोर्ट ऐसे घूम के खाना खाने के लिए भी आएगा तो उसको भी अच्छा लगेगा. बहुत अच्छा अच्छा. हाँ बहुत लोग आते हैं भी लेट नाइट पूरा यहाँ पर डिनर करने के लिए, पार्टी करने के लिए, क्योंकि पूरा ऐसा ही माहौल है. तो चले गए तो हम लोग अभी रिटर्न करेंगे वही टोल गेट देखे, ठीक है, मेन रोड देखे. क्योंकि जो रोड पे आई थी तो उस पे लेके आगे जाओगे मैं कूद लूंगी कार. लेकिन 10 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, हो जाएगा पर चलेगा वो. पर वो वाली रोड पे मैं नहीं जाऊंगी, वो गांव वाला मेरे साथ बहना है. हम अपना लॉन्ग ड्राइव से आ गए वापस और पिंकू ने बहुत अच्छा ड्राइव कर लिया, ऑलमोस्ट 80+ किलोमीटर, 85 लगभग, मतलब जाना और आना. एक्चुअली ये गाड़ी चलाना के भी एक मौका था मेरे लिए, मतलब गाड़ी चलाने के लिए ही गया था एक्चुअली. ये और मुझे बोला चलो तुमको एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलती हूं और तुमको एक अच्छा कंटेंट देता हूं, मतलब कि बोला हमको चलाओ. कुछ नहीं मुझे पता था तुमको अच्छा कंटेंट नहीं मिला. तुमको मैं इनको बोली थी कि जाके क्या करेंगे एयरपोर्ट रोड खा तो नहीं. तुम्हारा वीडियो के लिए अच्छा कंटेंट नहीं दिया मैंने. इनके साथ मतलब झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, मतलब खा तो पाएंगे नहीं और क्या करेंगे. क्योंकि मैं इनको पूरा मना करके गई थी कि एयरपोर्ट के अंदर कुछ मतलब मत बोलना, पानी भी मत पीना. मैं इनको मना करके गई थी और मैं पानी भी नहीं पिया, बट खाली वॉशरूम गए हम लोग और कहीं नहीं गए हैं. तो एंड गाइस आई नो ये हम थोड़ा सा रिस्क लेके गए थे. वैसे तो लोग बहुत जगह ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे गोवा वगैरह. यार अभी हर कोई हर कहीं जा रहा है, बट ये आई थिंक एयरपोर्ट ना थोड़ा क्राउडेड जगह रहता है. हमें भी आइडिया नहीं था कि अभी इतना रह रहा होगा, फिर भी ना जितना क्राउड रहता है आई गेस उसका 60% क्राउड तो रह ही रहा है. पूरा 100% नहीं बट 60% क्राउड है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं.
ट्रैवल अच्छा खासा कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी हम क्या करेंगे, हमारे सेफ्टी के लिए पूरा जो कपड़ा वगैरह हम जो भी पहन के गए थे ये सब हम इनफैक्ट सोफे पे भी नहीं बैठे, आने के बाद सोफे पे भी नहीं बैठे, इसको वॉशिंग मशीन पे डालेंगे, फिर थोड़ा सा काढ़ा बना के पिएंगे, प्रॉपरली पूरा अच्छे से फ्रेश होंगे, थोड़ा सा शावर तो पूरा नहीं लूंगी, जितना हो सकता है गर्म पानी से पूरा अच्छे से फ्रेश होंगे, देन हम जाके बेड पे जाएंगे। और एक बात, हम लोग पूरा मतलब एयरपोर्ट से लेके मतलब रूम तक जो भी हो, हम लोग मतलब हाथ फेस में नहीं लगाए हैं, कुछ एक बार भी हम नहीं खोले हैं एयरपोर्ट पे जाए, एंड हम अंदर कहीं पर भी टेस्ट नहीं कर रहे थे, फिर भी हम ऑलमोस्ट 5 बार अंदर भी जो है हैंड सैनिटाइज कर रहे थे कंटिन्यूअसली जब उतरे तब से। हाँ, जो भी हो मतलब ये हमको पता नहीं है यार कि मतलब क्या है क्या नहीं, तो जितना सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, बहुत दिन हो गया हम लोग कहीं नहीं निकल रहे थे, आज सोचा कि चलो ड्राइविंग भी करके और थोड़ा एयरपोर्ट का भी लुक ले। वैसे तो हम एयरपोर्ट जाके आए थे, बट वहां पे हम थोड़ा सा भी मतलब मार्केट तक नहीं गए थे जहाँ पे क्राउड हो, जस्ट रूम पे गए अपनी व्हीकल पे, कार से उतरे, रूम पे रहे, प्रॉपरली जो सैनिटाइज था रूम से निकल के आ गए। बट ये थोड़ा सा वैसा पब्लिक एरिया है, नहीं बोलूंगी कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारा लोग जाना आना कर रहे थे, बट हम यू नेवर नो कि कौन सा एरिया से कौन आ रहा है। हाँ, तो एयरपोर्ट इज द मोस्ट रिस्क पर मतलब हाँ, जो प्लेस है, जितना हमसे हो सके उतना प्रिकॉशन लेंगे अभी, डोंट वरी, वो हम डेफिनेटली लेंगे। तो बस हम लोग इतना रिस्क लेके गए थे, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बोलना कमेंट सेक्शन में, और बैंगलोर का एयरपोर्ट भी आपको कैसा लगा जरूर बोलना कमेंट सेक्शन में। बस इसी के साथ हम लोग आपको यहाँ पर गुड नाइट बोलते हैं, और वीडियो को आप बहुत सारा लाइक करना, और जितना हो सकता है आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर भी करना, जो लोग बैंगलोर एयरपोर्ट नहीं देखे उन लोगों को शेयर करके बिल्कुल दिखाना बैंगलोर एयरपोर्ट। और जो जो लोग बैंगलोर एयरपोर्ट अभी मिस कर रहे हो, बैंगलोर को मिस कर रहे हो, वो लोग आराम से देख के खुश हो जाना। तो बस गाइस, चलिए साथ साथ होप करती हूं ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय।